75वें हिमाचल दिवस पर नाहन में ऊर्जा मंत्री ने ध्वजारोहण कर ली परेड की सलामी। नाहन में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का हिमाचल दिवस पर शुभ संदेश किया प्रसारित। 75वें हिमाचल दिवस पर नाहन के ऐतिहासिक चौगान मैदान में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बहुउद्देश्य परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस अवसर पर उन्होंने जिलावासियों को हिमाचल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा, हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व में आने के बाद प्रदेश में अभूतपूर्व विकास हुआ, जिसके फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश देश में पहाड़ी राज्य का मॉडल बनकर उभरा है। उन्होंने इस अवसर पर हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को श्रद्धांजलि देते हुए उनके द्वारा प्रदेश के निर्माण में दिए गए योगदान को याद किया। इस अवसर पर सिरमौर जिला की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए ऊर्जा मंत्री ने बताया, नगर परिषद नाहन देश में कोलकाता के बाद दूसरी सबसे पुरानी नगर परिषद है, जिसके भवन निर्माण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 6.5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। नवभारत समाचार सिरमौर से अनुराग गुप्ता की रिपोर्ट। कदम आगे बढ़ाए तो राज्य प्रदेश केवल पहाड़ी राज्य ही नहीं बल्कि देश के अन्य बड़े राज्यों के लिए भी विकास का आदर्श मॉडल बना है। प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद, पावर सरप्लस राज्य का दर्जा, पर्यटन विकास, बागवानी और कृषि उत्पादन में व्यापक वृद्धि, साक्षरता दर में देशभर में प्रदेश का दूसरा स्थान, लोगों तक सड़क तथा घर घर तक पानी और बिजली की सुविधा जैसे अनेक मानक जो राज्य की प्रगति को दर्शाते हैं। जयराम ठाकुर जी की सरकार ने 7 वर्ष कर दिया है। इस फैसले से इस साल लगभग 1 लाख और लोगों को पेंशन का लाभ मिलेगा। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 2,21,000 लोगों की पेंशन स्वीकृत की गई। वर्ष 2017 में जब भाजपा सरकार सत्ता में आई उस समय सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर करीब 436 करोड़ रूपए सालाना खर्च किए जाते थे। आज 1,300 करोड़ से अधिक खर्च प्रतिवर्ष किए जा रहे हैं।